ईडी ने बुधवार को शिवसेना उद्धव गुट के सांसद संजय राउत के कथित सहयोगी प्रवीण राउत के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। जांच एजेंसी ने मनी लॉन्ड्रिंग जांच के सिलसिले में प्रवीण राउत की 73 करोड़ रुपए से अधिक की जमीन कुर्की है। जानकारी के मुताबिक अचल संपत्तियां पालघर, दापोली, रायगढ़ और थाने में और उसके आसपास स्थित है। बता दें कि इसी मामले में संजय राउत और प्रवीण राउत दोनों को ईडी ने गिरफ्तार किया था। मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा द्वारा FIR दर्ज किए जाने के बाद ये कार्रवाई हुई। ईडी ने जानकारी देते हुए बताया कि इस रीडेवलपमेंट के नाम पर कई गैर कानूनी गतिविधियों को अंजाम दिया गया। सोसाइटी महाड़ा और GACPL के बीच एक त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। समझौते के अनुसार 672 किरायेदारों को फ्लैट मुहैया कराना था। GACPL के निदेशकों ने महाड़ा को गुमराह किया और 672 विस्थापित किरायेदारों के लिए पुनर्वास हिस्से और महाड़ों के लिए फ्लैटों का निर्माण किए बिना 901.79 करोड़ रुपए की राशि एकत्र करते हुए अपराध की आय का 95 करोड़ रुपए का एक हिस्सा GACPL के निदेशक प्रवीण राउत ने अपने निजी बैंक खातों में भेज दिया। अपराध की आय का एक हिस्सा उन्होंने संबंधित व्यक्तियों के पास रखा था, जबकि प्रवीण राउत द्वारा अर्जित कुछ संपत्तियां बाद में उन्होंने अपने परिवार के सदस्यों को उपहार में दे दी थी। इस मामले में मार्च 2022 में ईडी की ओर से एक मामले में चार्जशीट भी दाखिल की गई थी।